यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई सन सिटी गास रोड पर शराब के नशे में धुत बाइक चालक ने वॉकिंग हेतु निकले युवक को मारी जोरदार टक्कर, युवक की हुई मौत। वसई सन सिटी गास रस्ते पर वॉकिंग हेतु निकले 27 वर्षीय युवक को एक शराब के नशे में धुत बाइक चालक द्वारा जोरदार टक्कर मारने की घटना सामने आई है। इस गंभीर दुर्घटना में रास्ते पर वॉक कर रहे मनीष मनोहर सिंह उम्र 27 की मौत हो गई। आपको बता दें, यह युवक जिसकी मौत हो गई है विदेश में नौकरी करता था, जो अभी हाल ही में विदेश से वसई अपने रिश्तेदार के घर रहने आया था। हर दिन की तरह बुधवार को संध्या के समय सन सिटी रास्ते पर वॉक कर रहा था, तभी रात के 8 बजे के आसपास शराब के नशे में धुत एक बाइक चालक ने मृतक मनीष को जोरदार टक्कर मार दी और भाग निकला। दुर्घटना में गंभीर जख्मी हुए इस युवक को स्थानिकों द्वारा उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल की जाँच पड़ताल करने के समय घटना में टूटकर गिरी बाइक की नंबर प्लेट पुलिस को मिली। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार उक्त वाहन RTO में नाला सुपारा पूर्व की एक पूर्व नगर सेविका के बेटे के नाम पर रजिस्टर होना बताया गया है। मणिकपुर पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज़ लाइव। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम असलम शेख है। सन सिटी में मैं जा रहा था, वहाँ पे एक हादसा हो गया। दारू पी के दो जन गाड़ी चला रहे थे, एक पीछे बैठा था। गाड़ी चलाने वाले ने एक वॉकिंग करने वाले 28 ईयर लड़के को ठोक दिया और उसकी सडनली डेथ हो गई। ऐसे के दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, और वो जो सन सिटी रोड पे भी थोड़ा ब्रेकर वगैरह जो बनाना चाहिए और थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जो वॉकिंग करते हैं उनके लिए भी मतलब सावधानी से चलना चाहिए। अब वो जो दारू पी के जो जिसने उड़ा दिया जिसके लड़के को, अब वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, पर उनको सज़ा मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि वो ड्रिंक करके गाड़ी चले थे, जबकि ड्रिंक करके नॉट अलाउड है गाड़ी चलाना। और वहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम है, सनसिटी रोड पे जो है घास रोड पे लाइट नहीं है, वो लाइट भी होनी चाहिए। क्या बोलेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे जो उधर खड़े थे जिसने मदद नहीं की वहाँ पकड़ने में? वहाँ लोग देखते हुए भी लोग एक्चुअली जब मदद करना चाहिए तो लोग मदद नहीं करते, क्योंकि ब्लड देके लोग डर गए और फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से लोग डर जाते, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। लोगों को एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। अगर कोई अगर वहाँ पे, मैं तो एक दो मिनट के बाद पहुँचा, अगर कोई तुरंत वहाँ पहुँचा था और तुरंत अगर मदद करते तो आज ये इंसान बच जाता, इस व्यक्ति की जान नहीं जाती। सर, आपला नाव? हाँ, माझं नाव सूरज, मी फोटोग्राफर आहे। सन सिटी रोडला मी आता येत होतो ना, तर अचानक लोकांची गर्दी जमलेली पाहिली, तर बघितलं तर एका व्यक्तीला ब्लिडिंग होत होतं इथून पूर्ण आणि नाकातून। तर मग सर्वांनी थांबवलं रिक्षा वगैरे, आणि आम्ही मग त्यांना रिक्षामध्ये टाकलं आणि आपलं गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये त्यांना ट्रीटमेंटसाठी घेऊन आलेलो। मी एवढं पाहिलेलं आहे ते ॲक्सिडेंट गेले तरी पडून गेले का तिकडं? त्यांना तर मला पाहता नाही आलं, कारण की मला ते दिसलेच नाही। लोकांची गर्दी होती ना, तर तिथे कोण हात लावायला बघत नव्हतं, तर मग आम्ही 4-5 जणांनी तिथे दात घेतली आणि नंतर त्यांना हेल्प केली। काय बोलणार, जे ॲक्सिडेंट झाला आणखी लोक तिकडे पडून गेले, कोण तिची मदत नाही करत होतं, आणखी तुम्ही मदत केला आणि लोकांना काय तुम्ही संदेश देणार? ॲक्च्युली लोकांना समजलं पाहिजे, ज्यावेळेस घटना घडते त्यावेळेस नक्की मदत केली पाहिजे। आज न उद्या आपल्यावरती पण ती वेळ येऊ शकते, जर त्या टायमला आपण मदत नाही केली तर मतलब नाही आहे। माणुसकीच्या नात्याने आपण त्यांना मदत केलीच पाहिजे। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।